बिलासपुर शहर के पास बस अड्डा चौक पर उस समय लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया जब यहां की लोकल टैक्सी यूनियन व पंजाब के चालकों ने एक निजी गाड़ी चालक को सवारियों के साथ पकड़ा। पंजाब टैक्सी यूनियन के ड्राइवर इस गाड़ी का चंडीगढ़ से पीछा करते हुए आ रहे थे और इन्होंने बिलासपुर टैक्सी यूनियन के साथ मिलकर बिलासपुर बस अड्डा चौक पर इस गाड़ी को रोका। ऐसे में मौके पर ही तैनात पुलिस की टीम ने जब सारी जांच पड़ताल की तो यह एक निजी गाड़ी थी और फिरोजपुर मंडी के लिए सवारियां लेकर आ रही थी। वही जानकारी यह भी प्राप्त हुई है कि पंजाब के फिरोजपुर में इस गाड़ी से पंजाब की एक टैक्सी नंबर गाड़ी में यह सवारियां मंडी के लिए आ रही थी। ऐसे में वहां की लोकल यूनियन ने टैक्सी चालक को धमकाकर सवारियों को निजी गाड़ी में शिफ्ट करके ले आए। ऐसे में यह टैक्सी चालक इस गाड़ी का चंडीगढ़ से पीछा करते हुए आ रहे थे जिसके चलते पुलिस की मदद से इसे बिलासपुर बस अड्डा चौक पर पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार बिलासपुर टैक्सी यूनियन ने मौके पर आरटीओ योगराज धीमान को भी बुलाया जिसके चलते आरटीओ ने मौके पर पहुंचकर सारे दस्तावेज चेक किए और पाया कि यह निजी गाड़ी सवारियां लेकर मंडी जा रहा थी। ऐसे में मौके पर ही आरटीओ ने कार्रवाई करते हुए चालक को 6,000 रुपए का जुर्माना डाल दिया। साथ ही सभी चालकों को हिदायत दी कि अपनी निजी गाड़ी में कोई भी सवारियां यूज नहीं कर सकता, अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो मौके पर ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाड़ी पकड़ी है, किस तरह से विभाग की कार्रवाई है? हाँ, ये ऐसा है कि ये प्राइवेट व्हीकल में सवारियों को लेके ये आदमी फिरोजपुर साइड से अपने पर्सनल व्हीकल में इनको लेके जा रहा था तो पुलिस वालों ने भी रोका इसे और यहाँ टैक्सी यूनियन वाले जो भाई इसकी तो फौरी तौर पर यहाँ पे कार्रवाई करते हुए सवारियों से जो प्राइवेट व्हीकल में मोटर व्हीकल के हर वायलेशन हो गया उसके अनुसार इनका चालान किया गया और जो इन्होंने जुर्माना मौके पर दिया 6,000 रुपया तो आप इस चीज़ की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है।